सोलन के व्यापारियों ने रविवार को अपने व्यवसायिक संस्थान खोले, जिस पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई और करीबन 17 लोगों के चालान भी काटे, जिसके वजह से सभी व्यापारी बेहद गुस्से में नजर आए। उनके द्वारा इस कार्रवाई के विरोध में 3 घंटे के लिए बाजार बंद करने का ऐलान किया गया। सभी व्यापारियों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता का परिचय देते हुए अपने सभी व्यावसायिक संस्थान बंद रखे। व्यापारियों का कहना है कि कोविड के चलते उनका व्यापार पहले ही बेहद प्रभावित है, ऊपर से त्योहारों के समय में जब सारा भारत खुला है, वहीं सोलन के व्यापारियों का प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है, जो सरासर गलत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कुशल जेटी और अन्य व्यवसायियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सोलन के व्यापारियों पर त्योहारों के समय पर कार्रवाई अमल में लाई गई है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारी पहले ही मंदी से जूझ रहा है, उस पर अब चालान का अतिरिक्त बोझ भी डाल दिया गया है, जिसकी वजह से सोलन का व्यापारी बेहद दुखी और चिंतित है। उन्होंने कहा कि सोलन का व्यापारी ईमानदारी से कमाई कर रहा है और सरकार से कोई सहयोग नहीं मांगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो सरासर गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तो उनके द्वारा केवल सांकेतिक दुकानों को बंद किया गया है, अगर जिला प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो वे अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमने मीडिया के द्वारा भी बताया था कि रविवार को जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ एसडीएम के द्वारा, जिस तरीके से वो बाजार में हुटर बजाते हुए हमारे को डराने धमकाने के लिए आए, उसके विरोध में हमने आज 3 घंटे का बंद का एक सांकेतिक आह्वान किया था। और आप देख रहे हैं कि 100% सभी दुकानें बंद करके हमारी एकता आज प्रदर्शित होती है, प्रशासन और सरकार को दिखाती है कि हम समाज का एक अंग है, व्यापारी भी एक समाज का हिस्सा है। जैसे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, कर्मचारी वर्ग है, वैसे व्यापारी वर्ग भी एक सरकार का हिस्सा है, हम समाज के अंग है। इस करके हमारे साथ कभी दुर्व्यवहार करने की कोशिश ना की जाए, किसी की भी सरकार हो, हमने ऐसे कुछ नहीं लेना। हम तो अपना कमा के खाते हैं, सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा के अपने परिवार को, समाज को और सरकार को भी टैक्स देते हैं। इतना करने के बावजूद हम सरकार से 1 रुपया लेते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, क्या हमारे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है समाज के अंदर? और हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक सरकार इस ऊपर अधिकारी का तबादला नहीं करेगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी अभी अस्वस्थ हैं, जब वो स्वस्थ होंगे हम उनके पास भी जाके मिलेंगे और उनको निवेदन करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को कृपया फील्ड में मत लगाएं, वो समाज की नैया तो डुबाएंगे, साथ में आपकी नैया भी डुबाएंगे। हम इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, हम कम खा लेंगे, नमक से खा लेंगे, सरकार के ऐसे हाथ नहीं फुलाते हम, लेकिन हम अपनी कमा के खाएंगे, इज्जत के साथ जिएंगे। हमारे को 3 घंटे क्या, अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो हम निश्चित काल के लिए भी बंद कर सकते हैं। सर, हम माल रोड से, मैं व्यापारी हूँ और रेडीमेड का मेरा बिजनेस है, और हमारे जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं कुशल जेठी जी, उनके साथ जो एसडीएम साहब द्वारा इतवार को दुर्व्यवहार किया गया और जिस हिसाब से वो हुटर बजाते हुए गाड़ी बाजार के अंदर लेके आए, तो ये तो उनको अच्छा नहीं लगता था। एसडीएम और जो प्रशासन है वो तो शहर के माई बाप होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो शहर के माँ बाप होते हैं। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आगे बच्चे किस ओर जाएंगे और किस ओर देखेंगे? तो हमारा जो उन्होंने हमारे प्रधान जी की जो उन्होंने बेइज्जती की और जिस हिसाब से उन्होंने 8,000-8,000 रुपये के चालान किए, वो जायज नहीं है। आप देखो, कोविड के मारे हम तो पहले ही कोविड के मारे हुए हैं, 3-3 महीने दुकान बंद करी, लाइट के बिजली के बिल दिए, जो एम्प्लॉयज़ दुकान पे रखे हैं उनकी घर पे बैठे हुए उनको तनख्वाहें दी, जो बैंकों के ब्याज दिए, घर में जो बुजुर्ग बेचारे हैं जिनको हम रोटी एक बार खुद खाना छोड़ सकते हैं लेकिन बुजुर्गों को दवाई ला के देनी हो, हमारा फर्ज बनता है, वो हमने सब कुछ किया। उसके बावजूद अगर हर पिछले 40 साल से हम तो बाजार में देख रहे हैं कि 40 साल से त्योहारों के सीजन में बाजार खुलता है इतवार को, तो उसी राह को देखते हुए हमने इतवार को दुकानें खोली। और जिस हिसाब से उनको हमें समझाना चाहिए, अगर उन्होंने को हमें बोलना भी था कि तो हमारे प्रधान जी को बुला के वो बात कर सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने वो आए और 8,000 रुपये एक रकम होती है, 8,000 रुपये किसी ने, मुझे लगता है इतवार को किसी ने किस दिन 8,000 रुपये बट्टे भी ना हो और उसको 8,000 रुपये जुर्माना देना पड़ गया, तो कितने उसके मन से आह निकलती है। तो इस बात को आहत होते हुए हमारे प्रधान जी ने 9 से 12 बजे तक का बंद का आह्वान किया था, उस आह्वान के हम बिल्कुल साथ हैं और आप देख सकते हैं 100% बाजार की दुकानें बंद हैं।